दोस्तों, तो फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर मैगी, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। ये रेसिपी मेरी प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो चलते हैं। टमाटर, प्याज, प्याज हमें इस तरह से काट लेंगे मोटा मोटा। टमाटर भी ज़्यादा पतला नहीं काटेंगे, मोटा मोटा काटेंगे। ये है मैगी मसाला, तीन मैगी बना रही हूँ मैं, और उसी का तीन मसाला है ये। और ये है मैगी और ये है धनिया। तो इतनी ही चीज़ों से बहुत ही टेस्टी मैगी बनती है। और ये है मिर्च, बस। बहुत टेस्टी मैगी बनती है दोस्तों। और लास्ट में मैं डालूँगी एक सीक्रेट टिप, जिससे कि मैगी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो गैस ऑन हो गया था और ये भी कढ़ाई गरम हो गई है। अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे, अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। और प्याज को हम थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भुनेंगे, थोड़ा सा भुनेंगे। ये देखिए, अब इस स्टेज तक हमें प्याज को भुनना है। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर। तो टमाटर डाल देंगे, नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार ऐसे, और थोड़ी सी इतो सी लाल मिर्च, और इसको चला लेंगे। टमाटर को हम थोड़ा सा गला लेंगे, थोड़ा सा। अब हम डाल देंगे मैगी मसाला और इसको चला लेंगे। फ्लेम इसमें लो कर देंगे ताकि मसाला ज़्यादा जले ना हमारा, और इसे थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, इस तरह से। अब ये एक मिर्च थी, उसको बीच से काट के इसमें डाल दिया। पहले थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, और एक गिलास पानी और डाल देती हूँ, और इसे हमें हाई फ्लेम पे बॉईल करना है। हमें इसे अच्छे से बॉईल करना है। अगर हम इसे ठंडे पानी में डालते हैं मैगी को, तो उससे क्या होगा, क्योंकि मैगी तो 2 मिनट में बन जाती है, और अगर ठंडे पानी में डालेंगे तो क्या होगा, मैगी हमारी बहुत ज़्यादा गल जाएगी और उसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो पहले हम इस जो हमने पानी डाला उसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। और देखो, ये अच्छे से बॉईल हो गया एक बॉल। अब मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ, बॉईल हो जाएगा, उसमें हम धनिया डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस तरह से एक बार चला लेंगे, और ये देखिए कितना अच्छा बॉईल आ गया। और अब मैगी डाल देंगे। अब फ्लेम को लो कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। ये देखिए, दो से 3 मिनट तक ढककर लो फ्लेम में कुक कर लेंगे। देखिए, ये देखिए, आपको अगर लगता है कि इसमें पानी कम हो रहा है तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं डालूँगी इसमें सीक्रेट टिप, जिससे कि मैगी और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। तो अब इस स्टेज में ये ऑलमोस्ट डन है। अब मैं डाल दूँगी इस पर बटर।
बटर से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है इसमें, तो बटर लास्ट में डाल देंगे और इसको एक बार ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद उसको चला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैगी रेडी है, बटर मैगी। चलो इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए रेडी है हमारी बटर मैगी, टेस्टी टेस्टी, यमी यमी। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।